अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग देने वाली है। ये तो आप जानते हैं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में पहली बार आमिर खान और बिग बी साथ नजर आने वाले हैं। भले ही फिल्म के ट्रेलर को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही हो, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल रिलीज हुई फिल्म संजू से भी बड़ी ओपनिंग देने वाली है। फिल्म के 2 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। एडवांस बुकिंग का क्रेज सिंगल स्क्रीन के लिए ज्यादा देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने एडवांस बुकिंग के मामले में संजू को भी धूल चटा दी है। हालांकि बाहुबली 2 के एडवांस बुकिंग से अभी भी ठग्स काफी पीछे है। खबरों की माने तो दिवाली के दिन एडवांस बुकिंग में काफी इजाफा हो सकता है। बता दें कि जब जब दिवाली पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज हुई है तो उसने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है। ऐसे में फैंस को पूरी उम्मीद है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म में आमिर और अमिताभ के अलावा कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी इम्पोर्टेंट रोल में है। देखना तो अब ये दिलचस्प रहेगा कि आमिर और अमिताभ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी या नहीं। वैसे आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।